कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बंदरोल के समय भारी भूस्खलन होने से दूसरे दिन भी यहां गाड़ियों की रफ्तार थमी रही। नेशनल हाईवे को बंद हुए 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में यहां सैकड़ों सैलानी भी गाड़ियों में फंसे हैं। प्रशासन ने शुक्रवार सुबह ही मार्ग बहाली का कार्य शुरू करवा दिया था। शुक्रवार सुबह बंदरोल में सड़क पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों को ब्लास्टिंग के माध्यम से सड़क से हटाने का प्रयास जारी है। मनाली घूमने आने वाले सैलानियों को फरवरी माह के अंतिम दौर में बारिश ने जहाँ सड़कों पर रात बिताने को मजबूर किया, वहीं मनाली के पर्यटन कारोबार पर भी खासा असर डाला है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे को बहाल करने में जहां प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत लगा डाली है, वहीं यहां पर आसमान से बरसी आफत ने दो दिन में ही करोड़ों रुपए का नुकसान कर डाला है। उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने बताया कि कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे को बहाल करने का प्रयास जारी है।